जमीन पर। मुंबई हमले को एक साल पूरा हो चुका है। यह एक साल कई मायनों में सबक के का साल भी है। इस एक साल ने हमें अपने अंदर झांकने का मौका दिया। आतंक से लड़ने में हमारी कैसी तैयारी है, हमारी पुलिस में कहां कमी है, इसका भी पता चला। इसके अलावा यह भी कि हम शहीदों को इस दौरान कितना याद रख पाए। मुंबई में आतंकियों की गोली से एक जांबाज अफसर हेमंत करकरे भी शहीद हो गए। आईबीएन 7 के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई ने शहीद हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे से बातचीत की। बराबर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाता, सही बात है। ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर काफी बवाल पड़ा है कि ये जैकेट आखिर गया कहां, जो जैकेट हेमंत करकरे जी उस रात को पहन रहे थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनको गले में गोलियां लगी, और अगर जैकेट भी ठीक ठाक होता फिर भी शायद वो बच नहीं पाते। तो जैकेट पर इतना आपका ध्यान क्यों है? क्योंकि गले ऐसे क्लोज होने वाला भी जैकेट आजकल आता है, और उसी तरह का जैसे मेरे पति वियना में थे तभी मैंने देखा था पुलिस ऑफिसर और पुलिसमैन किस तरह का जैकेट पहनते हैं, वो पूरी तरह यहाँ से क्लोज होना चाहिए, उसी तरह का जैकेट पुलिस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना चाहिए। और मैंने कमेंट्स पढ़ा थे कि एडिशनल कमिश्नर क्राइम बोल रहे थे दिस इज नॉट आवर ड्यूटी, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द लोकल पुलिस ऑफिसर, और ये मेरी ड्यूटी नहीं है, लोकल पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। लोकल पुलिस ऑफिसर कहेगा मेरी ड्यूटी नहीं है, ये उस दिन डीसीपी ऑन चार्ज था उसकी ड्यूटी है। डीसीपी ऑन चार्ज कहेगा ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये डॉक्टर की ड्यूटी है, और डॉक्टर ये कहता रहा नहीं ये मेरी ड्यूटी नहीं है। तो हमारे यहाँ ड्यूटी किसकी है, ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। और ये जो एटीट्यूड है हमारा, दृष्टिकोण है, तो ये दृष्टिकोण बदलने की हमें बहुत जरूरत है। यानी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, अगर कोई गलती हुई तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। क्या आपको लगता है यही वजह है कि 26/11 का जो रिपोर्ट है, जो महाराष्ट्र सरकार ने कमीशन बनाई थी राम प्रधान की कमीशन, वो रिपोर्ट अब पब्लिक होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ होगा उस रात को और उसके बाद? सही बात है, क्योंकि उस दिन जिन्होंने काम नहीं किया है उनके तरफ भी क्वेश्चन उठना चाहिए। किस तरह से आप हेमंत करकरे को याद हमेशा करती हैं? वो आपके पति भी थे, आपके दोस्त भी थे, किस तरह से आप याद करती है, केवल पुलिस अफसर की हैसियत में या उनमें क्या खूबी थी? मीन्स उनमें एक ऐसी ऊर्जा थी, हमेशा 24 आवर्स उनमें एक ऐसी ऊर्जा थी, वो ऊर्जा ही घर से चली गई है, एनर्जी ही घर से चली गई है, और उतनी एनर्जी मैंने किसी के पास देखी नहीं है। आपको लगता है असली श्रद्धांजलि अगर हेमंत करकरे जी को देनी हो वो किस तरह से देनी पड़ेगी, क्योंकि कल 26/11 की एनिवर्सरी है, लोग कैंडल लेके रास्ते पर चलेंगे, कई सभाएं होंगी, असली श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? ये जो कैंडल लेके जाने वाली बात है वो मुझे एकदम ऊपर की बात लगती है, लेकिन अगर सिस्टम में बदलाव आएगा कि पुलिस में मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, उनको अच्छे वेपन्स मिलेंगे और एटीट्यूड बदल जाएगा, हमारा दृष्टिकोण बदलेगा, कोई बोलेगा ये मेरी गलती है, अगर कोई एक भी आदमी बोलेगा हाँ उस दिन मेरी गलती हो गई थी, तो ठीक रहेगा। तो